हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? ओके, तो आज दिन की शुरुआत होगी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्लास थ्री है। दो क्लासेस मैंने करवा दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं दो क्वेश्चंस में। अभी जो है आज थर्ड हो गया और एक और सेशन होगा फोर्थ। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का भी चैप्टर जो है हम लोग क्लोज कर देंगे। उसके बाद होगा आपका मैराथन टेस्ट और दो क्लासेस में लेकर और उसके बाद जो है हिस्ट्री का पूरा काम तमाम कर देना है। और मेरा अपना पूर्ण विश्वास है, हालांकि जब क्वेश्चंस को आप भी देखते होंगे तो आपको भी पता होगा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने करवा दिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस पूरा 100% चांस है कि यहीं से आपका आने वाला है। बाकी आप लोग अच्छे तरीके से बस रिविजन करते रहना और एक बार जब आपका मॉडर्न खत्म हो जाएगा हम उसके बाद चलेंगे पॉलिटिक्स की तरफ, ठीक है। हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करें हम लोग। ओके गाइस, चलिए तो सब लोग यहाँ प्रेजेंट है, वेरी गुड। ओके चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आया है देखिए। पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेजी राष्ट्रपति कौन थे? यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड राइट आंसर इज, राइट आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर वन जॉर्ज यूले जो है आपका जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर वन जॉर्ज यूले। ओके, तो ये जो थे ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर, अब हम टू में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है? द प्लेज फॉर पूर्ण स्वराज वॉज टेकन एट द कांग्रेस सेशन ऑफ, किस सेशन में जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था? और क्वेश्चन नंबर टू के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? द प्लेज फॉर पूर्ण स्वराज वॉज टेकन एट द कांग्रेस किस सेशन में लिया गया था? यहां पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला? वेरी गुड, लाहौर सेशन आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। लाहौर सेशन दिसंबर 29 में जो है लाहौर सेशन हुआ था, उसी टाइम पे जो है ये जो है पूर्ण स्वराज जो है उसका मतलब संकल्प लिया गया था, ठीक है। और इसी मतलब ये जो आपका सेशन हो रहा था, इसी सेशन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ओके, इन इट वॉज द सेम सेशन इन विच जवाहरलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो कौन थे फाउंडर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड वॉट इज द राइट आंसर? वेरी गुड, गोपाल कृष्ण गोखले आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में आपका क्या दिया हुआ है कि हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड क्वेश्चन नंबर फोर का क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, लॉर्ड रिपन। यहां देखिए सब लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है एक लाइन से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए कि विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विथ डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्से। किस गवर्नर जनरल, कौन से ऐसे गवर्नर जनरल हैं जो कि एसोसिएट हैं डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्से से? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विथ डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्से एंड हेयर इज द राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया हुआ है? इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेटस ऑन, इंडिया को कब मिला था डोमिनियन स्टेटस? यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? वेरी गुड, सिक्स का आंसर आ रहा है 15 अगस्त 1947, आपका एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन में चलते हैं, नेम द इंपॉर्टेंट फ्रेंच पोसेशन इन इंडिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेवन का। क्वेश्चन नंबर सेवन में आपका होने वाला है पुदुचेरी, जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। पहले कौन ऐसे भारतीय हैं जो बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर? यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से आप सबका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर एट का आंसर क्या होने वाला है करेक्ट में? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड राइट आंसर इज, ओहो क्या बात है, दादा भाई नौरोजी, आपका एकदम राइट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नाइन में चलिए हम लोग चलते हैं। हु सेड, किसने कहा था पैट्रियोटिज्म इज रिलीजियस रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया।
ओके किसने ये बात किसने कही थी, बहुत बड़ी बात है कि हु सेड पैट्रियोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया। ठीक है, यहां पर क्या होने वाला आपका कनेक्टर सर, जल्दी दीजिए आप लोग यहां पर आंसर। ओहो यहां पर देखिए, यहां पर एसएससी ने मिस प्रिंट किया हुआ है इसका आंसर जो है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि यहां पर करेक्ट आंसर आपका होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये बात कही थी और यहां ऑप्शंस में आप है ही नहीं, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर आप याद कर लेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही ये बात कही थी कि पेट्रियोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया, आपका राइट आंसर है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोले या बंकिम चंद्र चटर्जी बोले, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है कि हरदयाल एन इंटेलेक्चुअल जायंट वॉज एसोसिएटेड विथ, ये किससे एसोसिएटेड थे हरदयाल, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। हरदयाल एन इंटेलेक्चुअल जायंट वॉज एसोसिएटेड विथ एंड वॉट इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, यहां पे आ चुका है गदर मूवमेंट, आपका एकदम करेक्ट आंसर है गदर मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग द सी रूट ऑफ इंडिया गोज टू द, ठीक है किसको जाता है क्रेडिट, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। यहां तो सबका सही होने वाला है, पोर्तुगीज आपका यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है आपके स्क्रीन पर, द सॉन्ग जना गण मना कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जनवरी 1912 अंडर द टाइटल ऑफ, किस टाइटल पे ये दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जना गण मना पहली बार जनवरी 1912 में शीर्षक के तहत प्रकाशित हुआ था और यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 का। वेरी गुड, भारत विधाता आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, ऑन इंप्रिजमेंट इन 1908 बाय द ब्रिटिश बाल गंगाधर तिलक सेंट टू, ठीक है तो बाल गंगाधर तिलक को कहां भेज दिया गया था, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से दीजिए। वेरी गुड, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, यहां पर क्या है मांड्यालय जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मांडले ये आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। ओके, ये एक्चुअली कहां है मांडले, ये आपका बर्मा में पड़ता है, ठीक है ना बर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में क्या दिया हुआ है, द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन, कब लॉन्च हुआ था, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से इसका आंसर दीजिए। The Civil Disobedience Movement was launched by Mahatma Gandhi in and what is the right answer for this question? वाह क्या बात है, यहां है आपका 1930, कब हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, Civil Disobedience Movement launched हुआ था आपका महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 15 की तरफ, Who gave the slogan इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद ये नारा जो है किसने दिया था, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद एंड व्हाट इज द राइट आंसर। वेरी गुड, भगत सिंह ने दिया था, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ डायर्ची वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन, तो जो सिस्टम था डायर्ची का ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ था भारत में कब, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला 16 का। वेरी गुड, 1919 जो है आपका यहां पर राइट आंसर है, ठीक है ना 1919। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्चुअली क्या है कि देखिए द सिस्टम ऑफ डीआरसी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1919, ये तो आपका करेक्ट है। एक्चुअली ये किस एक्ट के तहत आता था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है ये आपका पूरा होता है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वॉच, ठीक है तो कौन थे एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वॉच कौन थे, वाह क्या बात है, यहां भी करेक्ट आंसर आ चुका है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी एकदम करेक्ट आ रहा है आपका आंसर, ठीक है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम स्विच कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल्स, इनमें से कौन है जिन्होंने अटेंड किया था जितने भी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे उसमें से,
तीनों को अटेंड करने वाले कौन है, वही पूछा गया आपसे कि हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड व्हाट इज द राइट आंसर। वेरी गुड, यहां पर आपका राइट आंसर होने वाला है बी आर अंबेडकर। देखिए बी आर अंबेडकर और तेज बहादुर जो थे यही दो ऐसे पर्सन थे जो कि अटेंड किए थे ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड बाई, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड बाई एंड वॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां पर 19 का आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है आपका अगा खान जो है यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हालांकि यहां पर देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड बाई अगा खान, यहां पर मतलब एसएससी ने इसको कंसीडर किया है, लेकिन अगर आप देखेंगे गूगल पे तो वहां पर आपको दिखाएगा फाउंडर के बारे में, अगर आप बात करें या बुक्स में भी देखेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना भी हैं, आगा खां भी हैं, ख्वाजा भी हैं, सलीमुल्ला भी हैं, हकीम अजमल खान भी हैं, तो ये सभी जो हैं इसमें इनका पार्टिसिपेशन था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अली जिन्ना दिया हुआ है, आगा खान भी है, हकीम अजमल खान भी दिया हुआ है, मौलाना अहमद अली भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आगा खान यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फाउंडर में। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 20। हु इज कॉल्ड एज द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, तो किसे कहा जाता है प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया एंड व्हाट इज द राइट आंसर। हु इज कॉल्ड एज द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया एंड व्हाट इज द राइट आंसर। वाह क्या बात है, श्री राम कृष्णा जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है, श्री राम कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई, तो ये जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है इसको कौन फाउंडेड किया था। एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, इस तरीके का जो पहले जितने भी फाउंडिंग हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, ये सब से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अभी भी पूछे जाते हैं। मैंने इस पे वीडियो भी बनाए रखा है आपका स्टैटिक में, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। वेरी गुड, सर विलियम जोन्स जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, सर विलियम जोन्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 22। द हीरो ऑफ द काकोरी डाकोटी केस वॉज, ठीक है, तो कौन रहे थे इसमें, मुख्य मुख्य भूमिका कौन थी, किनकी थी, हीरो कौन थे काकोरी डाकोटी का। ये नाम से स्पष्ट है डकैती है, ठीक है ना, तो एक्चुअली काकोरी डकैती जो है ट्रेन में रोबरी हुई थी, जो कि कंसीव्ड बाई किसके द्वारा हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा हुआ था। कहाँ पे, तो नियर लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और ये सब चीज़ को जो ऑर्गेनाइज्ड किसने किया था, ये सब जो डकैती, क्योंकि आपको पता है पहले ग्रुप में सब कुछ होते थे, तो ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था किसके अंडर में हुआ था, तो किसके अंडर में हुआ था, तो ये हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अंडर में ही ये सब काम करवाया गया था। ठीक है ना, काकोरी डकैती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले, और ये अगर आप देखेंगे, अब कुछ लोगों को डेट भी बता देते हैं, यहाँ पर डेट अगर पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ठीक है ना, काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23। ट्राई कलर वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल फ्लैग इन, तो आपको ये मालूम है फ्लैग तो पता ही है ना, तो ये जो ट्राई कलर था ये अडॉप्ट किया गया था। ठीक है ना, ट्राई कलर वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल फ्लैग इन, कब किया गया था, यहाँ पर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 23 का। वेरी गुड, लाहौर कांग्रेस सेशन में ये हुआ था। ठीक है ना, 1931 में हुआ था, इन 1931 द कांग्रेस अडॉप्टेड अ ट्राई कलर इन सैफ्रोन व्हाइट एंड ग्रीन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर लाहौर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, कि व्हेन वाज द डांडी मार्च अंडरटेकन, डांडी मार्च जो है ये कब हुआ था, व्हेन वाज द डांडी मार्च अंडरटेकन एंड व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को, कब हुआ था,
12 मार्च 1930 जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। साल्ट मार्च भी इसको बोला जाता है, डांडी मार्च को साल्ट मार्च भी कहा जाता है। साल्ट मार्च और डांडी मार्च जो कि 24 दिन का नॉन वायलेंट मार्च था, जिसको लीड कर रहे थे कौन, महात्मा गांधी कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग 1940 से 1946, 1940 से जो 46 का जो ईस्वी था, इस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, एंड व्हाट इज द राइट आंसर। हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग 1940 से 1946 एंड व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, यहाँ पर आपका होने वाला है मौलाना आजाद, ठीक है, मौलाना आजाद इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 26 की तरफ। What are the Morley Minto reform in 1909 known for? ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, What was the Morley Minto reform of 1909 known for? किस नाम से जाना जाता था ये? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है 26 का? सेपरेट इलेक्टोरेट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, लखनऊ पैक्ट वॉज अ डील बिटवीन, जो लखनऊ पैक्ट हुआ था ये एक्चुअली डील हुआ था किन दो चीज़ों के बीच बीच में। लखनऊ पैक्ट वॉज अ डील बिटवीन एंड व्हाट इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदू एंड मुस्लिम रिगार्डिंग सीट शेयरिंग इन लेजिस्लेचर, ठीक है ना। हिंदू और मुस्लिम लोगों का जो है सीट शेयरिंग को लेकर जो है ये पैक्ट हुआ था। द लखनऊ पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन किस में हुआ था आपको, हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में, ठीक है। चलिए, और कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, ठीक है। आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 28 कि हु अमोंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज, ठीक है ना, पेरियार, ठीक है। तो किसको जाना जाता है पेरियार के नाम से, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन इज पॉपुलरली नोन एज पेरियार, और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, ये आपका होने वाला है रामास्वामी, ईवी रामास्वामी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रोमिनेंट तमिल के लीडर थे, नाम से स्पष्ट है रामास्वामी है, ये तमिल के प्रोमिनेंट लीडर थे जिनको वहाँ पे किस नाम से जाना जाता था, पेरियार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 29 की तरफ कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन नोन एज द फ्रॉन्टियर गांधी, तो इनमें से किसको फ्रॉन्टियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन नोन एज द फ्रॉन्टियर गांधी, और ये यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, खान अब्दुल गफर खान आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफर खान को भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं, 30 में क्या है कि व्हेन वॉज द गांधी इरविन पैक्ट मेड, गांधी इरविन पैक्ट जो है ये कब हुआ था, व्हेन वॉज द गांधी इरविन पैक्ट। और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया गया आपका कि 5 मार्च 1931 को ही गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था किसके किसके बीच में। ये हुआ था मोहनदास करमचंद गांधी जो कि लीडर थे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के, और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, ठीक है ना, जो उस वक्त के ब्रिटिश वॉइस रॉय थे जिनका कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 31 है, आपको बताना है नील दर्पण, नील दर्पण जो कि एक प्ले था, ठीक है ना, डिपिक्टिंग द रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटनर वॉज रिटन बाय, तो आपको बेसिकली बताना है कि नील दर्पण जो है, ठीक है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये जो कहानी, ये जो इंसिडेंट था जो कि डिपिक्ट किया गया था एक प्ले को, वो किसके द्वारा लिखी गया था, और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है नील दर्पण का। वेरी गुड, दीन बंधु मित्रा आपका राइट आंसर है, ठीक है, नील दर्पण जो कि एक बंगाली ड्रामा था जो कि लिखा गया था दीन बंधु मित्रा के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 32, आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू, जो चंपारण सत्याग्रह था ये किससे रिलेटेड है, 32 में आपका क्या होने वाला है। चंपारण सत्याग्रह ये आपको मालूम है इंडिगो से रिलेटेड है, ठीक है ना, इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 33 है कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवोक्ड बाय द ब्रिटिश इन, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवोक्ड बाय द ब्रिटिश इन, एंड यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
1911 आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। फाइन इन 1911 में ही, 1911 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल का, ठीक है ना। और एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो कैपिटल था ना, आपको पता है ना, भारत का पहले कैपिटल कलकत्ता था, ठीक है ना, उसको शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34, कि द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन वॉज प्रोपाउंडेड बाय, जो थ्योरी था इकोनॉमिक ड्रेन का वो किसके द्वारा प्रोपाउंडेड था। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन वॉज प्रोपाउंडेड बाय, एंड वॉट इज द राइट आंसर 34 का क्या होने वाला है। वेरी गुड, दादा भाई नौरोजी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ब्रिटिश वॉइस रॉय इज एसोसिएटेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, तो कौन से ब्रिटिश वॉइस रॉय थे जो कि एसोसिएट हैं जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन थे, लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, गांधी इरविन पैक्ट इज एसोसिएटेड विद, जो गांधी और इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था ये किस चीज से एसोसिएटेड था, गांधी इरविन पैक्ट एसोसिएटेड विद, एंड व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द आंसर करेक्ट आंसर इज सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है, सिविल डिसऑबिडियंस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया हुआ 38, ये बात किसने कही थी, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है, तुम मुझे खून दो, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, ये बात किसने कही थी, 38 का क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द आर्या समाज इज अगेंस्ट, जो आर्या समाज जो थे वो किसके अगेंस्ट में थे, वो अगेंस्ट में किसके थे, रिचुअल्स एंड आइडियल वर्शिप के अगेंस्ट में थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या होने वाला है, कि अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द गदर पार्टी वाज, तो गदर पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर का नाम आपको बताना है, कि द प्रोम ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द गदर पार्टी वाज, एंड व्हाट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, लाला हरदयाल जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 में क्या है, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है, कि हु प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन, 41 का क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर है। बस आपको याद रखना है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो फाउंडेड हुआ था 1784 में, ठीक है ना, इट्स ओरिजन टू, ये किसका, कहाँ से ओरिजन हुआ था, किसके द्वारा, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 42 का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, सर विलियम जोन्स आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द बुक प्रिजन डायरी वॉज रिटन बाय, ठीक है ना, तो ये किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है, द बुक प्रिजन डायरी वॉज रिटन बाय, एंड व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जय प्रकाश नारायण जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जय प्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर अब आता है 44, कि हु इज कॉल्ड द नाइटेंगल ऑफ इंडिया, भारत की नाइटेंगल किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड एज द, हु इज कॉल्ड द नाइटेंगल ऑफ इंडिया, एंड व्हाट इज द राइट आंसर, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू आपका करेक्ट आंसर है, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके स्क्रीन पर, द आजाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड बाई, द आजाद हिंद ये कब फॉर्म्ड हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द आजाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड बाई, फॉर्म्ड इन, ठीक है ना, ये कब हुआ था, ये हुआ था आपको अगस्त 1942 में हुआ था, साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था, ठीक है, आजाद हिंद फौज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें, और इसके अगर हम बात करें फाउंडर का, तो वो कौन थे, मोहन सिंह थे इसके फाउंडर, ठीक है, कौन थे, मोहन सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द सिटी ऑफ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मीटिंग जो है ये किस सिटी में हुआ था। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द सिटी ऑफ, एंड वॉट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज बॉम्बे। ठीक है ना, बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे कब हुआ था, ये हुआ था आपको 28 से 31 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है ना, 1885 को हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, द मुस्लिम लीग एडॉप्टेड द रिजोल्यूशन फॉर अ सेपरेट नेशन इन द ईयर। ठीक है ना, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, द मुस्लिम लीग adopted the resolution for separate nation in the year, in the year, very good, 1940। ठीक है, 22 से 24 मार्च 1940 को ये adopt किया गया था। ठीक है, चलिए next question की तरफ हम देखते हैं, 48। ये काफी important question है, to end the third Anglo-Mysore war, टीपू सुल्तान साइन द फॉलोइंग ट्रीटी विथ ब्रिटिश। ठीक है, तो एक संधि हुई थी किसके किसके बीच में, यहाँ पर हुई थी आपको थर्ड जो कि तीसरा जो एंग्लो मैसूर वार हुआ था, तो टीपू सुल्तान और जो है साइन किए थे, संधि हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश लोगों के साथ, तो ट्रीटी क्या था, किस ट्रीटी के हस्ताक्षर के साथ जो है ये समाप्त हुई थी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रीटी ऑफ श्री रंगनम पट्टनम जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, और एक्चुअली यहां पर एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, ये हुआ था 11 मार्च 1784 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 49, द मैन बिहाइंड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जॉर्ज क्लार्क, यही वो पर्सन थे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा, किसने कैप्चर्ड किया था गोवा को, कौन वो पोर्तुगीज थे, किसकी वो हिम्मत हुई थी जिन्होंने कैप्चर्ड किया था गोवा को। और यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2, अल्फोंसो डी एल्बुक्यूरी जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने अपना क्लास 3 भी कंप्लीट कर लिया टेस्ट के रूप में। क्या परफॉर्मेंस है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा किसका क्या परफॉर्मेंस है, देख लिया जाएगा बाद में आपको। और जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि लाइव जो है थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो जब जब मुझे प्रॉब्लम होगा तब तब मैं प्रीमियर पे आपको वीडियो दे दिया करूँगा। और जिस दिन भी अगर मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ तो जो है लाइव क्लास आपका मॉर्निंग में ले लेंगे। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।